हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आप एक रेडमी के रेडमी नोट 10 डिवाइस के यूजर से, तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली रेडमी नोट 10 डिवाइस के लिए MIUI 14 का अपडेट, जिसके वर्जन के बारे में बात करेंगे, सो 14.0.1.0 का स्टेबल अपडेट आज से देखेंगे सभी नॉर्मल पीपल्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट है एंड्रॉइड 12 बेस अपडेट है, एंड साइज के बारे में बात करेंगे, सो 381 MB अपडेट का साइज है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट आपके फोन में MIUI 14 का अपडेट मिल चुका है। सो रेडमी नोट 10 डिवाइस में देखेंगे MIUI 14 इंस्टॉल करने के बाद काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। सारे के सारे चेंज लॉग फीचर्स ऑप्टिमाइजेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रेगुलर चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कल से रेडमी नोट 10 डिवाइस में MIUI 14.0.1.0 का स्टेबल अपडेट, जो कि नॉर्मल पीपल इसके लिए भी देखेंगे, रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड मैंने भी देखेंगे अपने फोन में इस अपडेट को सक्सेसफुल इंस्टॉल करके रखा है। सो चलिए दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद हम जाएंगे अबाउट फोन सेक्शन में, एंड अबाउट फोन सेक्शन में क्या कुछ आपको चेंजेस मिल जाते हैं वन बाय वन देखने वाले। सो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वर्सनों में। सो इसके वर्सनों में देखें, आपको वही टिपिकल लाइन देखने को मिल जाएगी, सिस्टम अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल एंड इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, उसके बाद दोस्तों मोर फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट, बस आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद MIUI का वर्जन भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं, जो कि INX है, मतलब कि इंडियन रॉम है। एंड इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे सेटिंग्स का नाम चेंज हो चुका है, जो कि डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स ऐसा किया है, जो कि इससे पहले आपको ऑल स्पेक्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि आपको जनवरी मंथ का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। सो अबाउट फोन सेक्शन में बस इतना ही चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले अमेजिंग चेंजेस के बारे में, जो कि आपका सेटिंग का पैनल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं सेटिंग्स के जो भी आइकॉन्स है, जो भी फंक्शंस के आइकॉन्स है, वो यहाँ पे ग्रिड एंड कलरफुल देखने को मिल जाते हैं, जो कि इससे पहले आपको काफी लाइट एंड मटेरियल टाइप के देखने को मिलते थे। सो ये भी काफी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। सो चलिए दोस्तों बात करेंगे चेंज लॉग फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कंट्रोल सेंटर है ना, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मेरे अपने फोन में, तो मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एंड ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको जो स्मार्ट डिवाइसेस देखने को मिल जाता है, उसमें देखेंगे आपको यहाँ पे जो स्मार्ट डिवाइसेस है होम है, उसके बाद एंड्रॉइड स्टोर एक्स है। सो यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कंट्रोल सेंटर के नीचे के साइड में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो कि इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको नोटिफिकेशंस के सेटिंग में जाना पड़ता था। एंड सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल कार्ड से यहाँ से उसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते थे, जो भी कार्ड है वो यहाँ से ऐड कर सकते थे। बट दोस्तों इस अपडेट के बाद आप देखेंगे डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर में जाएंगे, एंड कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद आपको जो भी कार्ड्स वगैरह सिलेक्ट करना है, स्मार्ट डिवाइस सिलेक्ट करना है, यहीं से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो MIUI 14 के बाद ये भी काफी बड़ा चेंजेस आपको फोन में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों MIUI 14 के बाद आपके फोन में सुपर आइकॉन्स का फीचर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे सुपर फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं मैंने अपने रेडमी नोट 10 डिवाइस में काफी सारे मल्टीपल सुपर फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट आपको क्या करना है, किसी भी फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, एंड किसी भी फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे सो आपको यहाँ पे एडिट फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं सुपर फोल्डर एंड जो नॉर्मल फोल्डर है, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे सुपर फोल्डर इनेबल करना है, सो जस्ट इस मेथड से देखेंगे सुपर फोल्डर इनेबल कर सकते हैं, जिसका लुक होम स्क्रीन पर काफी कूल लगता है। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं होम स्क्रीन एंड सिस्टम लॉन्चर में क्या कुछ चेंजेस मिलता है कि नहीं मिलता है। सो विजेट्स में जाएंगे, सो विजेट्स में जाने के बाद अभी तक स्टिल कोई भी चेंजेस नहीं है। सिस्टम लॉन्चर के बारे में बात करेंगे, तो सिस्टम लॉन्चर में जो मेनू बार है वो आपको पॉपअप इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों सिस्टम लॉन्चर भी ऑटोमेटिकली अप टू डेट हो चुका है MIUI 14 में। एंड MIUI 14 सिस्टम लॉन्चर में कितने फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। एंड इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन पर जाएंगे, सो होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको तीन मोड मिल जाते हैं, जैसे कि क्लासिक मोड है, विद ऐप ड्रॉअर मोड है, एंड तीसरा देख सकते हैं लाइट मोड का मोड मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये सारे के सारे फीचर्स आपको ऑफिशियल मिल जाता है, कोई भी आपको APK फाइल्स वगैरह या फिर सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों MIUI 14 के बाद ये सारे के सारे फीचर्स आपको ऑफिशियली फोन में मिल जाते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं कि सेटिंग में क्या कुछ आपको चेंजेस एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों सेटिंग में ज़्यादा कुछ खास बड़े फीचर्स नहीं है, लेकिन दोस्तों छोटे मोटे आपको चेंजेस तो जरूर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग यार कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमारा जो स्पेशल फीचर्स है वो सेटिंग यहाँ पे गायब हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। स्पेशल फीचर्स आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ऐड किया है। सो एडिशनल सेटिंग में आएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे फ्लोटी विंडो देखने को मिल जाएगा। एंड फ्लोटी विंडोज के अंदर देखेंगे आपको साइड बार का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड मुझे लगता है कि साइड बार का फीचर्स आपके फोन में ऑलरेडी पहले से देखने को मिलता होगा। बाकी दोस्तों मेमोरी एक्सटेंशन में जाएंगे तो मेमोरी एक्सटेंशन बस आपको वही 2GB का देखने को मिल जाता है। स्टिल अभी तक 2GB 3GB 5GB ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड स्पेस वो सारे सारे फीचर्स आपको एडिशनल सेटिंग में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स हम जाएंगे फिंगरप्रिंट एनिमेशन में, मतलब कि फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के बाद आपको जो रिकॉग्नाइजेशन का एनिमेशन है वो एनिमेशन यहाँ पे चेंज किया गया है। सो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते वक्त आपको जो स्क्रीन है पूरा डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। एंड जो एनिमेशन है ना वो भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा 3D आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। सो इस टाइप का देखेंगे लुक आपको लेटेस्ट न्यू अपडेट के बाद देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको थीम्स में देखने को मिल जाता है, या फिर दोस्तों अगर हम जाएंगे डायरेक्टली थीम स्टोर में। सो यहाँ से हम जाएंगे थीम स्टोर में। थीम स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपने कोई भी थीम यहाँ पे डाउनलोड किया है एंड थीम डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे के साइड में अप्लाई के साथ साथ आपको एक कस्टमाइज का भी एक बटन देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपको कोई भी थीम सिर्फ यहाँ पे लॉक स्क्रीन के लिए अप्लाई करना है, होम स्क्रीन के लिए अप्लाई करना है, आइकॉन्स या फिर सिस्टम बार या फिर स्टेटस बार के लिए अप्लाई करना है, सो पर्टिकुलर हिसाब से देखेंगे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि कस्टमाइज बटन, जो कि फाइनली रेडमी नोट 10 ड्यूएस में भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों थीम स्टोर में एक और बड़ा चेंजेस आपको मिल जाता है जो कि वॉलपेपर सेक्शन में मिल जाता है। सो फ्रेंड्स वॉलपेपर सेक्शन में जाएंगे एंड वॉलपेपर सेक्शन में जाने के बाद आपके फोन में MIUI 14 के काफी सारे वॉलपेपर्स आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। सो कहीं भी आपको गूगल पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली जाएंगे वॉलपेपर सेक्शन में। सो वॉलपेपर सेक्शन में जाने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंजेस के बारे में जो कि रेडमी नोट 10 डिवाइस में फन मैक्स नाम के गेमिंग एप्लीकेशन मिल जाता है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये फीचर्स आपके फोन में परमानेंट रहने वाला है। पोको के फोन में गेम सेंटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों रेडमी के फोन में फन मैक्स नाम से जाना जाता है जिसमें देखेंगे ढेर सारे गेम्स आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि यार टाइम पास करने के लिए काफी अच्छे गेम्स है। एंड आपको कहीं भी यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी कैटेगरीज के गेम्स आपको पसंद आता है तो जस्ट कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरीज में जाने के बाद जो भी गेम्स आपको पसंद आता है तो जस्ट आपको यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करना है। सो प्ले करने के बाद गेम्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड कोई भी आपको गेम्स पसंद आता है सो आप अपने मन पसंदीदा गेम्स यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो MIUI 14 के बाद या फिर किसी भी अपडेट के बाद यार ये जो फीचर्स अपने फोन में परमानेंट रहने वाला है, आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों गेम टर्बो के बारे में जान लेते हैं क्योंकि दोस्तों MIUI 14 का अपडेट है। सो देखते हैं MIUI 14 के बाद आपके फोन में वॉइस चेंजर या फिर गेम स्पेस में कोई भी फीचर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों रेडमी नोट 10 डिवाइस में आपको कभी भी वॉइस चेंजर का फीचर शायद देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों काफी सारे बड़े अपडेट्स आ चुके हैं एंड पुराने फोन्स में देखेंगे वॉइस चेंजर के फीचर्स अभी भी इनेबल नहीं हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे MIUI डायलर का पैड है, कॉन्टेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो भी शायद आपको ओल्डर डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको न्यू डिवाइस में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कैमरा के बारे में बात करेंगे तो कैमरा में मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। दोस्तों MIUI 13 के जो फीचर्स है डॉक्यूमेंट में प्राइवेसी मोड ऐसे काफी सारे फीचर्स है जो कि इस फोन में मिसिंग है। सो मुझे नहीं लगता कि MIUI 14 या फिर एंड्रॉइड 13 के बाद भी ये फीचर्स आपके फोन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों रेडमी नोट 10 डिवाइस में MIUI 14 के बाद मुझे बस इतने ही चेंजेस एंड फीचर्स देखने को मिले हैं। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फीचर्स एंड अपडेट कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।